एक्सरसाइज 3.8 का नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। देखो नाइन्थ क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो नाइन्थ क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है साइन 11 ए इंटू साइन ए प्लस साइन 7 ए इंटू साइन 3 ए अपॉन कोस 11 ए इंटू साइन ए प्लस कोस 7 ए इंटू साइन 3 ए। क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो न्यूमरेटर की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 2 साइन 11 ए साइन ए प्लस 2 साइन 7 ए इंटू साइन 3 ए अपॉन नीचे वैल्यू 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 कोस 11 ए साइन ए प्लस 2 कोस 7 ए इंटू साइन 3 ए। अब फॉर्मूला लगाते हैं 2 साइन ए साइन, क्या फॉर्मूला होता है, कोस ए माइनस बी। तो फॉर्मूला लगाएंगे अब ये कोस ए माइनस बी, तो कोस ऑफ ए माइनस बी करेंगे, 11 ए माइनस ए कितना आ जाएगा 10 ए माइनस कोस ए प्लस बी, कोस ऑफ ए प्लस बी करेंगे 11 ए प्लस ए कितना आ जाएगा 12 ए। यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन ए साइन बी का, तो प्लस क्या आ जाएगा ये कोस ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे तो 7 ए माइनस 3 ए कितना आएगा 4 ए, कोस माइनस कोस ए प्लस बी, ए प्लस बी करेंगे तो 7 ए माइनस 3 ए कितना आ जाएगा 10 ए अपॉन नीचे भी फॉर्मूला लगाएंगे 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी करेंगे 11 ए प्लस ए कितना आ जाएगा 12 ए माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस बी करेंगे 11 ए माइनस ए कितना आएगा 10 ए 2 कोस ए साइन बी, यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे प्लस क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी 7 प्लस 3 10 ए माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी करेंगे 7 ए माइनस 3 ए कितना आएगा 4 ए। तो अब देखो कोस 10 ए से कोस 10 ए कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या बचेगा यहाँ से कोस 4 ए माइनस कोस 12 ए अपॉन नीचे वैल्यू साइन 10 ए से साइन 10 ए कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का ये कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ से साइन 12 ए माइनस साइन 4 ए। अब कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से 2 साइन C प्लस डी बाई टू, तो ये आ जाएगा 4 ए प्लस 12 ए बाय टू, साइन डी माइनस सी बाई टू, तो 12 ए माइनस 4 ए बाय टू अपॉन साइन सी माइनस साइन डी का यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे, ये आ जाएगा 2 कोस C प्लस डी बाई टू, तो 12 ए प्लस 4 ए बाय टू साइन C माइनस डी बाई टू 12 ए माइनस अपॉन 2, इनको सोल्व करेंगे देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन 4 ए प्लस 12 ए बाई टू साइन, और यहाँ से देखो तो 4 ए प्लस 12 कितना आ जाएगा 16 ए, 16 बाई टू करेंगे तो क्या आएगा ये साइन ऑफ 8 ए इंटू साइन, ये साइन 12 ए माइनस 4 ए, 12 ए माइनस 4 ए बाई टू ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन अब ये क्या आ जाएगा कोस 12 प्लस 4 16, 16 बाई टू करेंगे तो क्या आएगा कोस ऑफ 8 ए, तो साइन 8 ए अपॉन कोस 8 ए क्या बन जाएगा ये टेंजेंट ऑफ 8 ए। यही हमें प्रूव करना था, यही थी हमारी राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो टेंथ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, टेंथ क्वेश्चन करेंगे ये दे रखा कोस 3x प्लस कोस 5x प्लस कोस 7x प्लस कोस 15x, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं टेंथ जो क्वेश्चन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है कोस ऑफ 3x प्लस कोस 5x प्लस कोस 7x प्लस कोस 15x, ये लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है हमें। क्या करेंगे पहले इसको अरेंज करते हैं, देखो कैसे अरेंज करेंगे हम,
कोस 15x को आगे लिख लेंगे, इसके साथ में क्या लिख लेंगे, प्लस कोस ऑफ 3x, फिर प्लस कोस 7x और 5x को एक साथ लिख लेंगे, कोस ऑफ 7x प्लस कोस ऑफ 5x, इनको सोल्व करेंगे, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आ जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, तो ये आ जाएगा 15x प्लस 3x बाय 2, कोस सी माइनस डी बाई 2, तो ये आ जाएगा 15x माइनस 3x बाय 2, यहाँ भी कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये बन जाएगा प्लस 2 कोस 7x प्लस 5x बाय 2, और ये आ जाएगा कोस ऑफ 7x माइनस 5x बाय 2, फॉर्मूला लगाया हमने, अब इनको सोल्व करते हैं आगे, तो 2 15 प्लस 3 कितना आ जाएगा, ये 18, 18 बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 9x, तो ये आ जाएगा 2 कोस 9x बाय 2 कोस 9x आ जाएगा, इंटू कोस ऑफ 15 माइनस 3 12, 12 बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा कोस ऑफ 6x प्लस 2 कोस 7 प्लस 5 12, 12 बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 6x कोस 7 माइनस 5 2x, 2x बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा कोस x, अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2 कोस ऑफ 6x कॉमन, अंदर क्या बचेगा कोस 9x प्लस कोस ऑफ x, अब कोस सी प्लस कोस डी का इन पे भी फॉर्मूला लगाएंगे, तो यह आ जाएगा 2 कोस 6x मल्टीप्लाई कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 कोस सी प्लस डी बाय 2 9x प्लस x बाय 2 कोस सी माइनस डी बाय 2 9x माइनस एक्स बाय 2, अब ये क्या आ जाएगा 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 कोस ऑफ 6x इंटू 9x प्लस एक्स 10x, 10x बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा कोस ऑफ 5x इंटू 9x माइनस एक्स 8x, 8x बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस ऑफ 4x, यही हमें प्रूव करना था, यही क्या थे हमारी राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो 11th क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, 11th क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, देखो तो 11th क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी कोस अल्फा प्लस कोस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर, इनको सोल्व करेंगे, तो देखो पहले कोस अल्फा प्लस कोस बीटा कोस सी प्लस कोस डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस का साइन, यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का, क्या आ जाएगा ये 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इसका होल स्क्वायर, तो इनको सोल्व करेंगे, देखो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, ये कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और ये कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस इनका भी स्क्वायर कर देंगे 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, देखो 4 कॉमन आ जाएगा और कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, तो ये आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉमन, बचेगा क्या अंदर, यहाँ से क्या बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और ये प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2, देखो यहाँ पे दोनों जगह एंगल सेम है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो क्या वैल्यू बचेगी सिर्फ 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, यही हमें प्रूव करना था, यही थी हमारी राइट हैंड साइड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 12th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दे रखी है कोस ए प्लस कोस 120 प्लस ए कोस ऑफ 120 प्लस ए प्लस
कोस ऑफ 120 माइनस ए। अब क्या करेंगे, देखो इसको सोल्व करेंगे, कोस ए को एज इट इज रखते हैं तो ये आ जाएगा कोस ए हमारा एज इट इज, प्लस इन दोनों पे कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 cos C + D/2। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 120 प्लस ए प्लस 120 माइनस ए बाय 2। फिर 2 cos C + D/2 कोस सी माइनस डी बाई टू करेंगे तो 120 प्लस है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस ये प्लस, तो माइनस 120 और प्लस ए अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो ये वैल्यू यहाँ पे कोस ए एज इट इज प्लस 2 cos, यहाँ से ए से ए कैंसिल, 120 प्लस 120 240 का अपॉन 2 करेंगे तो क्या आएगा 120 इंटू कोस ऑफ 120 से 120 कैंसिल, ए प्लस ए 2a बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा a। अब इनको आगे सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा कोस ए प्लस 2 कोस 120 की वैल्यू रखेंगे, कोस 120 की वैल्यू क्या होती है माइनस 1/2 इंटू कोस ए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा कोस ए माइनस कोस ए, कोस ए माइनस कोस ए क्या आ जाएगा 0। यही हमें प्रूव करना था, यही थी हमारी राइट हैंड साइड।